और हम करा के दिए हुए 6 महीना पहले, आज तक नहीं हुआ। बहुत आदमी का जैसे मान के चलिए रसीद कटा हुआ है, खाता खेसरा नंबर उस पर डाला हुआ नहीं है, अब वो आदमी परेशान है। और ऑनलाइन में 20-20 साल का ड्यूज है, तो ये 20 साल का पैसा कौन खा गया? ऑनलाइन 1.5 कट्ठा चढ़ा हुआ है, उसके भी सुधार के लिए 2022 में दिए, कर्मचारी के पास गए, ब्लॉक दौड़े, नहीं हुआ छोड़ दिए। जमीन मेरा, पेपर हमारे पास है, उसके बाद भी खर्चा देना पड़ता है, वो भी पैसा मांगता है 500 रुपया 1000 रुपया, जो 500 रुपया दो कागज खोजेंगे हम तो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टूडियो, मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है, लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, उनके जो सवाल होते हैं उसकी लेकर भी जानकारी दी जाती है। ग्राम सभा में कानूनगो अमीन मौजूद रहते हैं और वो उनको जानकारी देते हैं। इस वक्त मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड में हम मौजूद हैं, एक गांव में मौजूद हैं, जहां लोगों की जानकारी ले रहे हैं। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या है जो मेरा जमीन जो है सकराबाजिद में है, रजिस्ट्री सकराबाजिद से है, पेपर सकराबाजिद का है, जमाबंदी उसका ऑनलाइन भी चढ़ चुका है, मंसूरपुर में है, उसका क्या होगा? इसके बारे में हमको जवाब चाहिए। आपकी क्या समस्या है? जी हमारा कोई समस्या है सर, जो ऑफलाइन रसीद 3 भाई के नाम से करता है और ऑनलाइन में 1 भाई के नाम से कर दिया गया। परिमार्जन के लिए भी हमने दिया लेकिन आज तक सुधार नहीं किया गया। क्या अभी जो सर्वे होगा उसमें वह रिसीविंग अगर देंगे जो परिमार्जन के लिए हमने दिया हुआ है तो क्या सही हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, यही जाना। क्या आपकी क्या रजिस्ट्री जमीन है और ऑफलाइन में 2021 तक रसीद कट रहा है, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से वो जमाबंदी ऑनलाइन पे नहीं चढ़ाया, इसके लिए परिमार्जन भी किए हैं। और परिमार्जन पे क्या बता रहे हैं? परिमार्जन पे एक बार DCLR के पास ये जा करके चढ़ेगा तो अमीन प्रतिवेदन सारा वर्ष संलग्न करके दे दिया गया, उसका फिर कहा कि नया पोर्टल एक खुलेगा जो यहीं से अंचल से इसका पोर्टल चढ़ाया जाएगा, इसके लिए नया परिमार्जन ऑनलाइन कर दिए हैं और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। ये हो गया 1 सप्ताह, 1 सप्ताह हो गया। मतलब क्या दिक्कत थी इसमें? चेक कर रहे हैं तो CO के टेबल पर है, चरा नहीं। दिक्कत क्या थी इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ वाला जमीन है, ऑफलाइन में कंटिन्यू कट रहा था, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से लगान वगान कमी नहीं, कुछ कम उम नहीं, सब लगान ठीक है। ऑनलाइन पर जमा चढ़ा हुआ तभी ना ऑनलाइन हम रसीद कटाएंगे, नहीं एक ही व्यक्ति का है, मगर ऑनलाइन पर चढ़ेगा तब तो ऑनलाइन, अब सिस्टम हो गया ऑनलाइन का, रसीद कटना वंचित 2 साल से हो गया, रसीद नहीं कट रहा है, नहीं ऑनलाइन रसीद कट रहा है, ऑनलाइन नहीं कट रहा है, चढ़ेगा तभी तो कटेगा। आपका क्या कोई सेफ समस्या है? ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा। जमीन क्या? जमीन कहाँ? जमीन आपको खरौना का केवाला जमीन है सर। तो और भी बातचीत करते हैं, जैसे मेरे ससुर 2 भाई थे, और 4 गो लड़का था बड़े को, और वो अपने 4ों लड़का का नाम पर जमीन लिखवाए, और वो भाई न भाई के दिए नहीं, लिख कर दिए नहीं कुछ करके, और वो कह रहे हैं लिख दिए दूसरा पोता का नाम पर या आधा हमारा हिस्सा होगा, तो होगा? मतलब क्या ससुर, आपके ससुर ने 2 भाई थे? ससुर 2 भाई थे जी, तो छोटे वाला का लड़का नहीं था, छोटे वाले का लड़का, बड़े वाला का 4 लड़का था, 4ों के नाम पर केवाला किए हुए थे, 4ों के नाम पर केवाला केवाला, तो वो आधा जमीन आगे से लेके पोता के नाम, दूसरे पोते के नाम पर लिख दिए, अब वो हिस्सा आधा वो ले रहा है। ये सिविल का मामला है, सिविल कोर्ट पर आएगा। मैं कृष्णदेव सा, ग्रामीण नरसिंहपुर। मेरा ये समस्या है एक कि 23 मार्च तक मेरा ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है, उसमें कुछ रसीद है, तीन रसीद है उसमें खाता खेसरा नहीं है, रकवा है ऑनलाइन में, तो हमने ऑनलाइन करा के परिमार्जन के लिए दिया कर्मचारी साहब को, जिसका 6 महीना हो गया। एक रोज कर्मचारी साहब हमारे दरवाजे पर आए, बैठते हैं आते हैं था दुकान पर, तो हम उनसे कहे तो वो कहे कि जो देखिए आपका रिपोर्ट तैयार हम कर चुके हैं, CO नहीं करना चाहती है, बोले उनके समझ से बाहर है, तो हम क्या करेंगे? अभी कानून को बता रहे हैं क्यों कराना है, अनिवार्य है, और हम करा के दिए हुए 6 महीना पहले, आज तक नहीं हुआ, CO नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? हम परेशानी है। आपकी क्या? बहुत आदमी का जैसे मान के चलिए रसीद कटा हुआ है, खाता खेसरा नंबर उस पर डाला हुआ नहीं है,
अब वो आदमी परेशान है, रसीद बहुत आदमी का कट चुका है, और वहाँ जब ऑनलाइन पे चेक कराता है तो 20-20 साल का ड्यूज है, वो जनता क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये सारा समस्या जनता के पास है, ऑफलाइन कटा हुआ है, लेकिन ऑफलाइन कटा हुआ है और ऑनलाइन में 20-20 साल का ड्यूज है, तो ये 20 साल का पैसा कौन खा गया? इसके लिए हम लोग आंदोलन किए थे आपका ब्लॉक पे, उस पर बोला गया जो आप रसीद लेके आइए इस पर सुधार किया जाएगा, लेकिन वो रसीद मान के चलिए अगर हम LIC कराते हैं, रसीद मेरा अगर खो गया तो बोलेगा जो नहीं आपका LIC नहीं है, वो रसीद तो उनके पास है ना, उसका वॉल्यूम का कॉपी, तो उससे हम लोग बोले जो भाई उसको चढ़ाइए, लेकिन आज तक नहीं चढ़ा गया, सिर्फ बल गलाने का काम चल रहा है। बहुत मामला है सर, बहुत जैसे हम 21-22 का हम कटाए हुए हैं रसीद हमारे नाम से जो भी है, और उसके बाद जो है सो वहाँ शो कर रहा है जो 13 से बाकी है, ऑनलाइन 2013-14 से बाकी है, तभी डबल पैसा हम अगर सरकार को दे, एक तरह हम ऑफलाइन कटाए हुए हैं, ऑनलाइन बता रहा है जो आपके यहाँ ड्यूटी प्लस है, सुधार होगा ना? क्या है वो तो उस दिन का मैंने ये CO करना चाहे था परिमार्जन, परिमार्जन प्लस पे सुधार नहीं हो रहा, 6-6 साल साल भर से आदमी परेशान है, साल भर से परेशान जी सर, परिमार्जन करके हम दे चुके हैं, अभी तक मेरा चरा नहीं है, 2021-22 का ही ऑफलाइन इनिशियल हाथ से कटा हुआ है, अभी तक इतने सारे लोग परेशान हैं, रसीद कटी हुई है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि हैं आप और ऑनलाइन में बता ही नहीं रहा 10 साल से। हम जनता को लेकर के CO साहब से मिले भी थे, एक आवेदन भी हम लोग अपने पंचायत के तरफ से CO साहब को दिए थे, CO मैडम कह रही हैं हमको ऊपर से निर्देश मिलेगा उसके बाद इस पर विचार करेंगे, मार्गदर्शन का जी, मतलब जनता 1 साल से परेशान है जी, हम खुद परेशान हैं, आप लोग 6 महीना पहले दिए, 1 साल से हम परेशान हैं खुद, 2022 में तो परिमार्जन करवाए थे, उसका अभी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो प्रोसेस में दिखा रहा है, प्रोसेस है, हाँ, 2 साल 22 में, 2 साल नहीं 22 से ही, 22 के सितंबर में करवाए थे, हाँ 2 साल हो गए, चढ़ा नहीं है अभी तक, चढ़ा क्यों, आखिर किस लिए चढ़ रहा है कि नहीं ऑनलाइन, लेकिन मंत्री तो दावा कर रहे हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन है, कागज भी आपका ऑनलाइन है, कहीं भाग दौड़ खाता कैसे अभी शो नहीं करता है, नाम छुटा हुआ है, जैसे दो फरीक का नाम होना चाहिए, जिसमें एक फरीक का नाम है, एक फरीक का नाम नहीं है, तो सुधार किया जा सकता है, तो सुधार के लिए तो दौड़ रहे हैं, परेशान है पब्लिक, चक्कर लगा रहे हैं कर्मचारी का, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, CO साहब का कोई नहीं काम करने के लिए, ऑनलाइन कोई कंप्लीट नहीं है मामला अभी तक, जमीन जो है 22 कट्ठा का खतियान है, नक्शा में भी 22 कट्ठा है, ऑनलाइन 1.5 कट्ठा चरा हुआ है, ऑनलाइन 1.5 कट्ठा चरा हुआ है, उसके भी सुधार के लिए 2022 में दिए, कर्मचारी के पास गए, ब्लॉक दौड़े, नहीं हुआ छोड़ दिए, काफी परेशान है, आप पे क्या परेशानी है? हमारा भी वही है, ब्लॉक में जाते हैं बल रसीद नहीं कट रहा है, 1962 में करा उसके बाद नहीं कट रहा है, उसके बाद से नहीं कट रहा है, 62 से नहीं कट रहा है, वहाँ खतियान सब फटा हुआ है, कर्मचारी खोजता कहता इसमें नाम है या नहीं है, नहीं कटता है, आप कटवाए थे कि नहीं कटाए, इतना साल से नहीं कटाए, पैसा पैसा का भी डिमांड हो रहा है ना, कर्मचारी हाँ पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है ना आदमी सब, सब जगह तो खर्चा मांगता है ना, कि खर्चा दीजिए, हम तो जमीन मेरा पेपर हमारे पास है, उसके बाद भी खर्चा देना पड़ता है, परेशानी है, खोजता है वो भी पैसा मांगता है, 500 रुपया 1000 रुपया, जो 500 रुपया दो कागज खोजेंगे हम, तब तब रसीद काटेंगे, अगर मान के चलिए माता पिता में अगर कोई अगर एक जीवित है तो क्या उसका जो जमीन है उसके लड़के के नाम पे जा सकता है? बस यही क्लियर करना चाहते थे। तो आपने सुना कि लोगों की कई सारी परेशानियां हैं, रसीद नहीं कट रहा है, रसीद कटा हुआ है तो ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, और जो कर्मचारी हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो लोगों में काफी समस्याएं आ रही हैं, और साफ साफ आरोप लग रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है, अधिकारी खेल कर रहे हैं और पैसे की बड़े पैमाने पर डिमांड की जा रही है, लोग परेशान हैं, ग्राम सभा में भी परेशान हैं, आखिर कौन सुनेगा, जनता की सुनवाई कौन सुनेगा, तो मैं रही LIFE के साथ।